अभी हजारीबाग में इंटरनेशनल रामनवमी क्यों बोला जाता है इसको? हमको बताना है। हाँ, तो हजारीबाग के रामनवमी को इंटरनेशनल रामनवमी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ का जो जुलूस का जो सिस्टम है वो हर जगह से अलग तरह से, और हर जगह आज के दिन जब नवमी के दिन खत्म हो जाता है जुलूस, मगर यहाँ के लोग ज्यादा जोश के साथ में दो दिन ज्यादा त्यौहार करते हैं। तो इक्कीस तक, मतलब एक तारीख तक ये प्रोग्राम चलता रहता है रामनवमी का, इसीलिए। और यहाँ बहुत ही ज्यादा जोश और खरोश रहता है और महीनों से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसीलिए इसको इंटरनेशनल रामनवमी बोला जाता है। साथ हैं सुमित सिन्हा जी, हजारीबाग के बहुत जाने माने व्यक्ति। ये बताएंगे मुझे कि हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल क्यों है। तो सुमित जी, आप बताइए यहाँ की रामनवमी इंटरनेशनल क्यों है? हजारीबाग की रामनवमी आज से नहीं, विगत 30-35 वर्षों से बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पे हम लोग सभी अपने मिलजुल के रामनवमी मनाते हैं। कुछ विगत वर्षों में कुछ कारण को देख लिया जाए तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके कारण हम लोग डरते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग सौहार्दपूर्ण रामनवमी मनाएं और मिलजुल के मनाएं। तो इसको इंटरनेशनल क्यों बोला जाता है? इंटरनेशनल हम लोग इसलिए बोलते हैं कि हम लोग जितनी झांकी यहाँ पे देखते हैं, हाँ, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अच्छा, झारखंड या बिहार या और भी कोई स्टेट में इस तरह का रामनवमी कहीं नहीं होता है। और यहाँ नौवीं के अलावा दसवीं और ग्यारहवीं तक भी होता है, ये भी एक रीजन है क्या? एक रीजन ये है कि क्योंकि इतना प्रोसेसर रहता है कि उसको टाइमिंग एक दिन में उसको पूरा नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसलिए दो दिन उसका टाइम लग जाता है, 150 से 200 प्रोसेसर निकलता है। अच्छा, उसमें टाइम दो दिन लग जाता है और सभी मिलजुल के मनाते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी सब मिलजुल के मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। हम बात कर रहे थे सुमित सिन्हा जी से, जो बताएं हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल क्यों है। धन्यवाद।